दिस वीडियो लेक्चर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. एज वी नो दैट एटम कंटेन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ दैट इज नोन एज शेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, ऑर्बिट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. As the atomic number of an element increases, the number of proton, atomic number that is represented by Z, that will be increases, the number of electron will be increases. अगर आपके किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वन है तो इट्स मीन के नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दैट्स विल बी इक्वल टू वन. और आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं. अगर आपके पास एटॉमिक नंबर टू हो तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितनी होंगे, टू होंगे. आप एक इलेक्ट्रॉन और प्लेस कर देंगे. इसी तरह से अगर आपके पास थ्री हो तो आपके थ्री इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे. और इसी तरह से अगर आपके पास फोर हो तो आप फोर इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे. और इसी तरह से जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, आप शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना पड़ेंगे, इंक्रीज करना पड़ेंगे. अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन ए गिवन शेल में, तो आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी. द प्रॉब्लम वाज दैट कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब आपके दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का डिस्टेंस स्मॉल हो जाएगा. और इस डिस्टेंस को अगर आप और से रिप्रेजेंट करते हो, ये डिस्टेंस इतना स्मॉल हो जाएगा कि इन दो फंडामेंटल पार्टिकल के सेम चार्ज होने की वजह से इनके दरमियान रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी. जब इन दो फंडामेंटल पार्टिकल के दरमियान रिपल्शन क्रिएट होगी तो देन दीज देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल. तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में रिजाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और शेल में रिजाइड करेंगे. तो एक शेल में किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को किन रूल्स को फॉलो करते हुए एक शेल में इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट्स वॉज द क्वेश्चन. ये आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, कि आप शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. दिस क्वेश्चन वाज रिजॉल्व बाय बोहर, एंड बोहर रिजॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. According to Bohr electronic configuration, the electrons are distributed around the nucleus in such a way that there will be minimum repulsion. क्या आपके पास repulsion क्रिएट ही ना हो, आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो. सो इलेक्ट्रॉनिक बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन electrons in a around the nucleus in a various shell on the basis of increasing energy लेवल, दैट इज नोन एज बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. अगर इस कॉन्फिग्रेशन को, इस डेफिनेशन को आप इलेबोरेट करो, तो इस डेफिनेशन से हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि आपने इलेक्ट्रॉन को एक शेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वन शेल. जब आप एक शेल में, इसी एक शेल में, इस फर्स्ट शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट ही नहीं होगी. सो this type of situation will be removed.
अब क्या होगा, आपने किस तरह से अरेंज करना होगा, आपने इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस एनर्जी लेवल में अरेंज करना है। सो इट्स मीन के देयर आर अ लॉट नंबर ऑफ शेल अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास एक शेल एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास काफ़ी सारे एनर्जी लेवल होते हैं और आपने एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग में उसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। सो वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इफ़ दिस इज न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज़ द फर्स्ट इफ एनर्जी लेवल एंड इट इज़ सेकेंड एनर्जी लेवल एंड इट इज़ थर्ड एनर्जी लेवल एंड इट इज़ फोर्थ एनर्जी लेवल। तो अगर आप देखें वोहर के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज करना होगा, इन वेरियस एनर्जी लेवल में इंक्रीज होगा करना होगा ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। सो दिस इन ऑर्डर टू एलेबोरेट दिस डेफिनेशन बोहर इन ऑर्डर एंड बोहर प्रोवाइड द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्कीम दैट इज ऑल्सो नोन एज द रूल्स दैट आर यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज नोन एज बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन स्कीम आर रूल्स। अब हमारे पास इस डेफिनेशन के बाद जो क्वेश्चन फर्स्ट अराइज होता है वो हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने इनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करना है, आप किस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेट सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इन वेरियस एनर्जी लेवल में प्लेस करना है, तो मैं क्या इस एनर्जी लेवल में फर्स्ट प्लेस करूंगी या इस एनर्जी लेवल को मैं छोड़ के इस एनर्जी लेवल में प्लेस करूंगी, ये दैट्स विल बी करेक्ट। अगर मैं इस एनर्जी लेवल को यूज़ नहीं करती तो मैं इस एनर्जी लेवल को यूज़ करूंगी, अगर मैं इस एनर्जी लेवल को यूज़ नहीं करती तो फिर मैं इस एनर्जी लेवल को यूज़ करूंगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की फोर पॉसिबिलिटी है, या तो ये इधर रिमेन करेगा रिजाइड करेगा, या फिर ये जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो बोहर प्रोवाइड द फर्स्ट रूल। बोहर ने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन की आप फीलिंग कैसे करोगे। इन फर्स्ट रूल बोहर से द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्स फॉर्म इनवर्ड टू आउटवर्ड। इट्स मीन दैट कि अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिफाइन करना होगा, किस तरह से फिल होगा। द वर्ल्ड इन वर्ल्ड मीन फर्स्ट नियर टू द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल नियर टू द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस। अब आप देखें तो कौन सा शेल आपके पास बनेगा, फर्स्ट शेल जो आपके नियर टू द न्यूक्लियस होगा। तो अगर हम देखें तो ये शेल आपके ये न्यूक्लियस है, तो इस शेल का डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से आपका ग्रेटर है, तो दैट्स विल बी नॉट नियर शेल इनवर्ड शेल एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द नियर शेल विल बी दिस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जब आप फिलिंग करोगे तो सबसे पहले आपने किस में करना होगा, इस शेल में करना होगा। एंड वी मूव स्टार्स हम किस से करेंगे, इनवर्ड से, एंड मूव करेंगे आउटवर्ड की तरफ। इट्स मीन के सेकंड इलेक्ट्रॉन आप इधर करोगे एंड इधर करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन नियर टू आउटवर्ड जाना है, तो इट्स मीन कि आपके पास एनर्जी लेवल इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द एनर्जी लेवल विल बी इंक्रीज इन दिस ऑर्डर, क्योंकि बोहर की कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस एनर्जी लेवल पे ऑन द बेसिंग ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। तो इस बेस पे आपके पास क्या होता है कि एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसकी रीज़न भी हम लास्ट में डिसाइड कर लेंगे कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फर्स्ट पॉस्टुलेट में ये डिसाइड किया कि आपने इलेक्ट्रॉन को नियर द न्यूक्लियस से फिलिंग उसकी स्टार्ट करनी है और ऐसे जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर फिल कर देती हूं, तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ माय इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मैं कैसे बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि माय दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनवर्ड द न्यूक्लियस,
या नियर टू द न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट इज आउटवर्ड, अगर ये वाला इन नियर है तो ये भी आपके पास इससे डिफरेंट है, तो इसकी इसकी पोजीशन क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन इधर रिजाइड करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन इधर रिजाइड करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी? हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बोहर प्रोवाइड द सेकेंड पास्टूलेट या आर सेकेंड रूल. In order to resolve this, the location, this problem, the location of electron, Bohr said that n is a number, n is a value that assign to a given shell in such a way its lowest value will be assigned to inward shell. And highest value will be outward shell. इट्स मीन डैट कि आपने एन की जो छोटी वैल्यू होगी, जो स्मॉल वैल्यू होगी, वो आपने फर्स्ट नियर टू द शेल आपने असाइन करनी है, और इसी तरह से जो एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने आउटवर्ड द शेल, इन मीन के फार द शेल आपने असाइन करनी है. तो इस पास्टूलेट के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू, आप बोहर ने ये बोला कि एन की वैल्यू कैसे स्टार्ट होंगी, एन की वैल्यू विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो आपके पास अगर हम यही रूल अप्लाई करें तो लोवेस्ट वैल्यू विल बी 1, दैट्स विल बी असाइन टू लोवेस्ट एनर्जी लेवल एंड सो ऑन. तो ये देखें आप इसकी इस एनर्जी लेवल को आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे. इस एनर्जी लेवल को आप क्या बोल दें, 1 बोल दें, और नेक्स्ट एनर्जी लेवल आपके पास क्या होगा, इससे आउटवर्ड होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, इसको आप 3 बोलोगे एंड इसको आप 4 बोलोगे. तो ये अनु बोहर ने क्या कर दी, नंबरिंग असाइन कर दी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आपने नंबरिंग ही असाइन कर दी है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लोकेट करूँगी पोजिशन, कि दिस इलेक्ट्रॉन विल बी E1, E2, E3 और E4. हम ये असाइन करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास E1 होगा, ये E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट शेल में लाई करता है, इस ये सेकंड में करता है, ये थर्ड में करता है, ये फोर्थ में करता है. तो बोहर ने ये इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व किया, उसने ये कहा अकॉर्डिंग टू बोहर वी डॉट असाइन के E1 इलेक्ट्रॉन, E2 इलेक्ट्रॉन, E3 इलेक्ट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू लोकेट इस पोजिशन. वी हैव टू नेम द शेल्स. हम क्या करेंगे, हम शेल्स को नेम असाइन करेंगे. सो इन दिस दिस रूल बोहर असाइन द नेम ऑफ शेल अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, अकॉर्डिंग टू एन वैल्यू, आप ये भी कह सकते हो एन वैल्यू, दैट्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड सो ऑन. तो बोहर ने ये कहा कि एन वैल्यू को देखते हुए आप इनका नेम असाइन कर दें. अगर आपके पास एन इज इक्वल टू 1 होगी तो द नेम ऑफ द शेल विल बी के, तो ये आपके पास क्या होगा, के शेल होगा. अगर आपके पास नेम आपकी एन की वैल्यू, इफ एन इज इक्वल टू 2, देन आपके शेल का नेम एल होगा. अगर आपका एन इज इक्वल टू 3, देन आपकी शेल का नेम एम होगा. अगर एन इज इक्वल टू 4, देन आपकी शेल का नेम एन होगा. एन इज इक्वल टू 5, शेल नेम इज ओ एंड सो ऑन, अल्फाबेटिकली चलें. तो अगर आप असाइन करो इस केस में, इस सिचुएशन में, तो हमारे पास इस शेल का नेम क्या होगा, के शेल.
सो फर्स्ट शेल विल बी के शेल एंड द सेकेंड शेल विल बी एल शेल अकॉर्डिंग टू दिस एंड थर्ड शेल विल बी एम शेल के एल एम एंड दस फोर्थ शेल विल बी एन शेल एंड सो ऑन. तो बहुत ने ये भी आपके पास क्या कर लिया, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया. सो अगर आप लोकेट करें इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो मैं ये कहूँगी कि के इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, के शेल के मीन फर्स्ट शेल, इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन. तो ये वाला प्रॉब्लम आपके पास क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया. अब प्रॉब्लम आपके पास ये आता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन अ शेल. एक इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से, कितनी इलेक्ट्रॉन एक शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि आपके पास वन हो तो इधर रखना है, फिर टू हो फिर मैं नेक्स्ट शेल में जाऊँ, फिर थ्री हो फोर्थ में, एंड इस तरह से मैंने अकोमोडेट करना है इलेक्ट्रॉन के. एक शेल की क्या टेंडेंसी है कि वो कितनी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, एक कर सकता है, दो कर सकता है, थ्री कर सकता है, एंड सो ऑन. तो इस पर्पज़ के लिए भी बोहर ने क्या किया, इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर दिया. हमारा क्वेश्चन ये अराइज हुआ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन अ शेल, गिवन शेल, गिवन शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं. सो फॉर दिस पर्पस बोहर गिव अ फार्मूला टू कैलकुलेट द अकोमोडेटेड इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल. In fourth postulate, he provide us a formula for the calculating of electron in a given shell that will be equal to 2n2. इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गिवन शेल आप कैलकुलेट कर देंगे. सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल. तो अब हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एक टेबल आप क्रिएट कर लेंगे. हम किस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे कि अगर आपके पास n वैल्यू हो और उसके बाद आपके पास शेल कौन सा होगा, के शेल होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितनी होंगे उसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल दैट्स विल बी इक्वल टू 2n2. सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 1. इधर आप शेल लिख लें, मेंशन करें शेल नेम. अगर आपके पास शेल फॉर एन इज इक्वल टू 1 होगी तो आपके शेल नेम क्या होगा, के होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितनी बनेंगे, 2n2, दैट्स विल बी इक्वल टू 2n की वैल्यू आपके पास 1 स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन के शेल इज इक्वल टू 2. तो अब आप क्या करोगे कि आपने के शेल में ऑलवेज कितनी इलेक्ट्रॉन पुट करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह से अगर आप कहते हैं n की वैल्यू आपके पास 2 हो तो आपका शेल कौन सा होगा, द लेवल विल बी l एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 की पावर 2, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स विल बी इक्वल टू 8. तो आप क्या लिखेंगे, 8. अब इस केस में आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं किस शेल में, सॉरी दैट्स इन दिस एरिया. शेल को आप बिल्कुल इस तरह से आप इसकी अरेंजमेंट करेंगे, इसके ऊपर ही लिखें 8 इलेक्ट्रॉन्स. इस शेल में, इस एरिया में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. अगर आप कहते हैं कि n की वैल्यू 3 है, l शेल कौन सा होगा, m, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सो थर्ड शेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन. एंड इफ द फोर्थ शेल n इज इक्वल टू 4, देन शेल विल बी n, एंड द 4 के आपके पास इधर 4 मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट्स विल बी इक्वल टू 16 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32. तो आपके पास n के पास 32 इलेक्ट्रॉन. ये तो हमने कि अपने इन्हीं शेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया, एंड सो ऑन. यू कैन कैलकुलेट 32 इलेक्ट्रॉन्स. बोहर ने ये कहा कि इस शेल में इतनी इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप अकोमोडेट करोगे.
अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपके, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है, अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके एटम में, किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन नहीं हों, तो वो फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? अगर आपके पास दो हों या लेस देन दो हों, तो वो आपके पास के शेल में जाएंगे। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 8 हों और लेस देन 8 हों, फिर आपके एल शेल में जाएंगे। अगर आपके पास 18 हों और आपके पास फर्दर इलेक्ट्रॉन, अगर आपके 18 के बाद के आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 हो, तो उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं होगी कि अगर आपका यहाँ तक एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाए और फर्दर 18 आप फिल अप कर लें और फिर आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपका 1 हो, तो देन दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी रॉन्ग। इसकी रीज़न भी आपको बताती हूँ। अब इसके बाद आपके पास क्या होगा कि अगर इसी तरह से 32 या 18 से ग्रेटर हो या 18 से लेस हो, कि मीन आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो और आप कहें कि नहीं भी 17 इलेक्ट्रॉन, मैंने 18 तो नहीं है, हम 17 फिल करेंगे, देन कॉन्फ़िगरेशन विल आल्सो बी रॉन्ग। तो हमें इस पर्पज़ के लिए क्या करना होगा? इस पर्पज़ के लिए रूल, बोहर के रूल को फॉलो करना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस आर ग्रेटर देन सम वट वैल्यू ग्रेटर देन अ गिवन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए शेल, देन वी हैव टू फॉलो द इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या करना होगा, आपको 17 इलेक्ट्रॉन पुट करने की बजाय आपको क्या करने होंगे, अगर ये वाली सिचुएशन हो कि आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो, 17 इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं करोगे, आप इनर शेल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। फिर अगर आपके पास ये एक 19 इलेक्ट्रॉन थे तो एक ग्रेटर था, तो आपने क्या करना होगा, फिर भी आपने इनर शेल कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करना होगा। तो इस पर्पज़ के लिए आपको एग्जांपल से ये बात मैं क्लियर कर लूँगी। नाउ वी रिजॉल्व द एग्जांपल एंड अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्फ़िगरेशन वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इनटू रेस्पेक्टिव सेल शेल। लेट्स सपोज आपके पास एटम है सोडियम। क्वेश्चन इज राइट द बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन राइट बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड मास 23। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विल बी रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो सोडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सोडियम न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11, that will be equal to 12. Neutron is equal to 12. Now we have to calculate the number of electron. Number of electron is equal to always number of proton. So number of electron is equal to 11. According to Bohr shell electronic configuration, the first electron will be come to L shell, that will be equal to 2 electron. So first of all we draw K shell. That is K shell, and the number of total number of electron will be 2. So electron will be represented by a circle, one electron at second electron. We also represent electron by a circle. Our written electron, aap is tarah se bhi mention kar sakte ho, is tarah se bhi mention kar sakte ho. So 11 mein se aap minus kar dein 2 electron, because you have to distribute 2 electron in a given shell. To baaki aapke paas kitni bachenge electrons? 9. सो अब आपने इन 9 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। द सेकेंड शेल कंटेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8, तो आप सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1, सो इट इज दैट इज एल शेल। अब ये जो आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये आपके एम शेल में जाएगा, और स्मॉल न्यूक्लियाई तो आप इस तरह से आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके हो जाती है। जैसे सोडियम है, इसका रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ जाएगा? 1. अब इस केस में आप कभी ये नहीं करेंगे कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं करने, नहीं, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद आपके पास 1 अवेलेबिलिटी थी, आपने 2 2 करके आगे नहीं जाना, लेकिन
जब आप हायर एटॉमिक नंबर पे जाते हैं देन आप मीन के थर्ड शेल से ऑनवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन में आप इनसाइड द न्यूक्लियस को प्रेफर करते हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आप उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो आपके पास बन रही होगी. दैट इज़ द बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. नाउ वी रिजॉल्व अनदर एग्जाम्पल हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन सोडियम. लेट सपोज वी हैव आयोडीन. The atomic number of iodine is, question is write the Bohr configuration of iodine. Atomic number of iodine is 53. अब आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. सबसे पहले आप फर्स्ट शेल में इधर ही कॉन्फिग्रेशन कर लें, दैट्स विल बी ओके. आर इधर कर लेती हूँ. चले ये आपके पास न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिजाइड करेंगे, आपके जितने भी कैलकुलेट होंगे. उसके बाद आपका फर्स्ट शेल होगा, इस केस में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो हम इस तरह से प्लेस कर देते हैं फर्स्ट 2. एंड सेकंड शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे. देन यू कैन प्लेस 8 इलेक्ट्रॉन, सर्कल बना के प्लेस कर दें. अब थर्ड शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब आप देखें 10 रिमूव करें तो आपके पास 43 है. आप 18 इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो. अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी हो गए, 28. तो 53 में से आप माइनस करें 28 और देखें कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितनी आपके पास आते हैं. रिजल्ट विल बी इक्वल टू 25. अब ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गई कि आपके थर्ड शेल में नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 थे, बट दैट्स विल बी 25. तो आप कभी भी नहीं करेंगे कि 25 इलेक्ट्रॉन प्लेस करके फिर आप कहेंगे दैट इज द बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एट दिस सिचुएशन द थर्ड शेल विल अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ शेल विल अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड शेल. दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉरी दिस इज न्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ शेल विल अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर शेल दैट इज थर्ड शेल. तो आप इन्हें क्या करना होगा कि इस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना होगा. सो इधर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेन करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन. अब आप 25 में से 18 रिमूव करें क्योंकि आपने 18 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लिए, तो दल में आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन. सो अगर आप देखो तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं अटेन करेंगे, इसकी भी नहीं, लेकिन इस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समवट लेस हैं. तो ये आपके पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन. इन दिस वे यू कैन ईजीली डिटरमाइन द बोहर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बोहर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.